नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि हम लोग अभ्यास प्रश्न के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये भी जो प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए फटाफट हम लोग 20 MCQ को हल करेंगे। ये एक मार्क टेस्ट है और आपका अभ्यास है, कितना आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग जानते हैं वो अपना टेस्ट देंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं। तार वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें तार लगा होता है? ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नगाड़ा, हारमोनियम, सुरबहार, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा सी, सुरबहार। ठीक है, ये सितार की तरह होता है। ठीक है, चलिए। प्रबंध की धातु कौन सी है? मेलापक, ध्रुव, उद्ग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रबंध की धातु ये सभी हैं, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, ध्रुव गीत का उल्लेख है किसमें? नाट्य शास्त्र में, नारदीय शिक्षा में, बृहदेशी में, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्रुव गीत का उल्लेख जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में है। ठीक है, चलिए। कौन सी संस्था विदेशों में भारतीय संगीत का आयोजन करती है? ठीक है, ICSR, ICCR, ICHR, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी संस्था है जो भारतीय संगीत का आयोजन करती है विदेशों में? ठीक है, तो वो हो जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। ठीक है, ये आपका ICCR हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैहर घराने से कौन संबंधित है? पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद अली अकबर खां, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैहर घराने से संबंधित है उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, ये जो है हरिप्रसाद चौरसिया, निखिल बनर्जी, ये सभी जो है मैहर घराने से ही संबंधित थे। उस्ताद चांद खां का संबंध था किस घराने से? लखनऊ से, जयपुर, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चांद खां जो है ये दिल्ली घराने से संबंधित थे, सी ऑप्शन सही होगा। ठुमरी के लिए उपयुक्त ताल है कौन सा? ताल ठुमरी के लिए प्रयुक्त होता है एक ताल, दीपचंदी, झप ताल, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हो ठुमरी जो है दीपचंदी ताल में उपयुक्त होती है, कई बार बताया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कलावंत का मतलब है, ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार बताया भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। ठुमरी गायक, ख्याल गायक, ध्रुपद गायक, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका सही ऑप्शन जो होगा ध्रुपद गायक होगा, कलावंत ध्रुपद गायकों को कहा जाता था प्राचीन समय में। ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खां, मियाँ सोरी, फयाज खां, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, मियाँ सोरी टप्पा गायक है, अब्दुल करीम खां किराना घराना, फयाज खां आगरा घराना, और ग्वालियर घराना का हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां, यानी कि आलिया है नत्थन पीरभक्स थे। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। मूर्छना से हमें प्राप्त होता है क्या? प्राप्त होता है अलाप, संगीत रचनाएं, राग, उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। मूर्छना से क्या प्राप्त होता है? तो हमें राग प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा परिवर्तित सारण चतुष्टयी में सिद्ध किया गया क्या? सामा प स्वर में प्रत्येक के 4-4 श्रुति होती है। पहले सारणा में साम संवाद रे प स्वर में देखा जाता था, एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ होती है। तो यहाँ पे जो है
देखने को क्या मिल रहा है कि 22 श्रुतियाँ भी होती है, सामप के चार चार श्रुतियाँ होती है, और पहली सारणा में साम संवाद रेप संवाद स्वर में देखा जाता था, ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। अहो बल के अनुसार स्वरों की संख्या है 29, 14, 26, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अहोबल ने 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर बताए, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, ए ऑप्शन जो है सही होगा। मध्यम ग्राम में श्रुतियों का कौन सा क्रम पाया जाता है, 4-3-2, 4-3-4-2, 4-4-3, 4-3-2-2, 4-3-2, 4-4-3-2, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। मध्यम ग्राम में श्रुतियों का कौन सा क्रम पाया जाता है, तो वो होता है 4-3-2, 4-3-4-2, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा नाद का गुण है, जाति या गुण, तीव्रता, तारता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नाद की जो गुण है, तीव्रता भी है, तारता भी है, और जात अथवा गुण, ये सभी जो है नाद का गुण है, यानी कि नाद की विशेषता है, यहाँ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसने वीणा के तार पर स्वरों की लंबाई के अनुसार स्थापित किया, किसने, सारंग देव, मतंग मुनि, अहोबल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने किया, तो सबसे पहले अहोबल ने किया था, ठीक है, वीणा के तार पर स्वरों की लंबाई। अंदोलित, थुम्पित, उल्लासित, ये सब क्या है, अलंकार, गमक, मूर्छना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा गमक, बी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है, ये सभी गमक हैं। अंश ग्रह तार और मंद्र लक्षण है, किसके लक्षण है, गंधर्व गान, राग लक्षण, जाति गान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके ये लक्षण दिख रहे हैं, अंश ग्रह तार, ये सभी किस में होते हैं, जाति गान में, ठीक है ना, जाति गान में ये होता है राग जात के लक्षण में। काल मार्ग क्रिया और अंग प्रकार है, किसके प्रकार है, काल मार्ग क्रिया, ताल के 10 प्राण, जाति गान के लक्षण, राग के लक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सीधे दिख रहा है काल मार्ग क्रिया अंग, ये सभी क्या है, ताल के 10 प्राण हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में जमीन पर बने गड्ढे को चमड़े से ढक दिया जाता था, उस यंत्र को क्या कहा जाता था, वैदिक काल में चमड़े से बने यंत्र को जमीन में ढक दिया जाता था, उसको क्या कहते थे, पुष्कर, बामा, भूमि दुदुम्भी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जमीन, जमीन यानी कि भूमि दुदुम्भी हो जाएगा, ठीक है ना, उसका नाम ही जमीन से जुड़ा हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में रज्जु क्या है, रज्जु का अर्थ क्या है, आर्केस्ट्रा, समूह नृत्य, समूह गीत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वैदिक काल में जो है रज्जु जो होता था, समूह नृत्य हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से आपके 20 प्रश्न हुए अभ्यास प्रश्न की श्रृंखला में, जितने भी अभ्यास प्रश्न गए हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों को देखिए, सारे वीडियो जो है महत्वपूर्ण है, शॉर्ट वीडियो भी सभी देख लीजिए, थ्योरी का प्लेलिस्ट है उसको भी देख लीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, कितना नंबर आपका सही हुआ इस 20 में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।